हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फिर से एक नई वीडियो में आ चुके हैं जी। इंजन रिपेयरिंग, 8 हॉर्स पावर और 180। तो ये आपको पहले मैंने एक वीडियो दिखाई थी कि ये देखें, क्रैंक इसकी टूटी थी और क्लच रॉड का भी इसने काम तमाम कर दिया था। ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्लच रॉड भी, क्रैंक टूट गई है और अभी इसका काम तो ना करने वाले हैं, क्रैंक इसकी नहीं डालने वाले हैं और बाकी भी इसका जो ना काम करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो का लाइक और कमेंट बॉक्स में पैर से कमेंट कर दें और वीडियो का लास्ट तक ज़रूर देखें। ये बच्चा मुझे गौर से देख रहा है। तो ये है जी, इसकी जनरल क्रैंक है, न्यू नहीं है। गवर्नर कोई नहीं, लम्बे कुतरे वास्ते नहीं, लम्बे कुतरे वास्ते खैर नहीं। तो इसका जी गरारी बक्सा ये खोला है और यहाँ से इसके इन्नी लगाई है, मतलब यहाँ से इसका ये आला नका जो ऊपर वाला टूट गया है और खैर है ये नीचे वाला बच गया है और चल जाएगी क्रैंक। ये जी रिंग ABC वाले के कट वाले रिंग और ये जी कैसकर CKD का और ये है जी 8 हॉर्स पावर की जैन किट कंबल, ये पीस 50 नंबर के और ये एक एयर कैलेंडर। तो ये क्रैंक लग चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, क्रैंक लग चुकी है और फिल प्लेट वाला जैन लगा रहे हैं। YouTube ते Facebook ते तो ये है जी अपने पल्लू लैंड का कनेक्टर रॉड, सेकंड हैंड है ये भी मगर जेन्युइन है इसका अपना ओरिजिनल। ये जी मेन है तो फलवर, ये इसका पिस्टन, ये भी यही डालना है और इसके रिंग नए लगाने हैं और ये गरीबन हो। तो ये कनेक्टर रॉड लगा दिया पिस्टन के ऊपर अंदर और इसका रिंग लगा और उतारता हूँ पुराने वाले में। तो ये क्रैंक को फिट हो चुकी है, टाइट भी हो चुकी है, काबिल इसके कटरो तो जी इसका मैं गरारी बक्सा लगाने वाला हूँ। व्हील भी टाइट हो चुका है, स्पेसर ने टाइट कर दिया है और गरारी बक्सा लगाता हूँ। इसका गरारी बक्सा है 8 हॉर्स पावर का। तो इसका भी लग चुका है गरारी बक्सा
ਦੋ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿੰਗ ਲਗਾ ਕਰ ਪਿਸਟਨ ਡਾਲਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਾਂ ਬਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਡੰਗਾ ਹੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿੱਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੇ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੰਗਾ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਟਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਰੱਖ ਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤਰੀ ਕਹੇ ਤੋਂ ਨਾ ਢਾਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ चलो शुक्र कर हाँ बिलकुल बिलकुल पैर को गल तो हाँ हाँ ट्रैक्टर ढूंढ देवे आना, वो ट्रैक्टर ढूंढ देवे आना छोटा गाजी ऐसे भी करें त्रुटि है। हाँ छोटा गाजी ले ले भी उन मैं अपने 50-75 तो ले ही बैठा नहीं होगी कार लो तो चला ले। हाँ पचहत्तरे बड़े चला ना तू। हाँ वेचने काम खर्चे गया ना ही बेचना ट्रैक्टर चंगा आओ ऐसा ही हो जाए। हाँ चबली ना जी वो लांदे बखत के में तरे वो तो बस ठीक हो ला वो सवेरे वो तो पैर तो ले ले जिधर अगदान बंदा वक्त कर लेने तो ले लेना वो वक्त कम खराब हो तो रिंग लग के माशाल्लाह अगो सोना रोज तो भेड़ कार के पाट के कणक अब ऐ चोत कले मैं पोद महीने च कणक गड्डी तेरा बोरियां मेरी कणक हो गई यार क्यों मैं इस नाल मेहनत की थी नौ घंटे लेदर लगा मेरे भी ठीक है नहीं बैठा कई दिन लपो मारिया चलाकियां उत्तों मुफत दिया आधा पैर राती की बावी मॉडल ट्रैक्टर तेरा शौक मतलब हाँ चाचा सारे किसान आज बड़े खुश हैं उन्हें तो पीटर जुड़ता पिया किसान तो उन मंदे हालात ही चल रहा कमरा बड़ी दिया पयन यार हालात रात की बाहर रह गया शोधा जी हेड लग चुका है और टैपर भी हो चुके हैं। डीजल पंप भी मैंने खोला है, इसका प्लंजर डालना है नया ये जी, इसका न्यू प्लंजर
तो जी गाइस माशाल्लाह से इंजन हो चुका है जी कंप्लीट, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है ना स्टार्टिंग वाला वो पार्ट टू में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो का लाइक और कमेंट बॉक्स में प्यारे से कमेंट कर दें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।